अस्सलाम वालेकुम, एम एच तूरी इज़ हेयर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवादर में और कोहे बातिल पे। कोहे बातिल गवादर के बिल्कुल सेंटर में पहाड़ है और बैक साइड पे सिंगार हाउसिंग स्कीम है। इसके आलमोस्ट तीनों तरफ अगर आप इसको ऊपर से व्यू देखें गूगल मैप में और सेटेलाइट में तो समंदर है। काफ़ी हाइट है यहाँ पे, क्लिफ्स बने हुए हैं। नीचे मेरे यहाँ पे जेटी बनी हुई है जहाँ पे माहीगीर मछलियाँ पकड़ते हैं। यहाँ से मैं कुछ फ़ोटोग्राफ्स बनाऊंगा। टेलीफोटो लेंस है मेरे पास, नाइकॉन D500 और Z6II अल्ट्रा वाइड। पीछे बादल आप देख रहे होंगे। 5-6 बार मैं विज़िट कर चुका हूँ वैसे गवादर, लेकिन आज जो वेदर है गवादर का, बारिश हुई है पसनी से ऑनवर्ड यहाँ तक बारिश थी। बहुत बेहतरीन वेदर है और हवा भी इस टाइम ना चलने के बराबर है। कल शाम को बहुत तेज़ हवाएँ चली थी। हमारा पसनी से अस्तोले जाने का प्लान था कश्ती में। 38 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जजीरा है वहाँ पे, लेकिन मौसम की वजह से वहाँ पे हम नहीं जा पाए। आंधी आनी थी, उसमें गहरे समंदर में फिर इशू होता है। तो फिर हम अपना प्लान चेंज करके फ़िलहाल गवादर आ गए। गवादर में मैं अभी यहाँ पे इस साइड पे मौजूद हूँ, पूरा नीचे शहर नज़र आता है। दूसरा बैक साइड का व्यू भी मैं आपको करवा दूंगा जहाँ से आप व्यू कर सकते हैं गोल्डन सैंड बीच का और हैमर हेड, जो सनसेट हमारे इस साइड पे होता है। नीचे आपका लेफ़्ट साइड पे मेरे बनता है गवादर डीप सी पोर्ट और राइट साइड पे जो है हमारी सारी जो जेटी बनी हुई, और सेंटर में मरीन ड्राइव है अगर मेरे बैक साइड पे आप देख सकें। अभी मैं यहाँ पे कुछ लैंडस्केप्स शॉट्स बनाता हूँ और उसकी आपको सेटिंग भी समझाऊँगा। ओ बिटा जा बिटाई बिटा ते वसई नूर मुझ तो पुजायूं। ओ बिटा जा बिटाई बिटा ते वसई नूर मुझ तो पुजायूं। ओ मुझ तो पुजायूं मन जो उमेदू, मुझ तो पुजायूं मन जो मुरादू। ओ बिटा जा बिटाई बिटा ते वसई नूर मुझ तो बतो यकी आवत खुदा जवाने पातिशाएं के।